हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेटा सिंह। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक और इंटरव्यू एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि है कंपनी डिलीवरी के साथ। तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, मैंने ये इंटरव्यू दिया था आई थिंक मार्च 2019 के अंदर। तो इंटरव्यू कैसा था और क्या क्या राउंड्स थे, राउंड्स में कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछे थे, वो सब मैं आपको बताने वाला हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज फॉर नॉट मेकिंग वीडियो फॉर लाइक फॉर कंसेक्यूटिव 2 वीक्स। तो उसके लिए कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ गई थी, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया था। तो आज लेट्स स्टार्ट विद द राउंड्स। तो सबसे पहले मार्च 2019 में मेरा इंटरव्यू हुआ था, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ऑन साइट इंटरव्यू था, क्योंकि उस टाइम पे कोविड सिचुएशन नहीं थी, तो जाके मैंने इंटरव्यू दिया था गुड़गांव ऑफिस में, गुड़गांव लोकेशन के लिए इंटरव्यू दिया था। पोजीशन जो थी आप देख सकते हो, पाइथन डेवलपर पोजीशन के लिए था। उस टाइम पे मेरा एक्सपीरियंस था, इट वाज अराउंड 3 इयर्स। तो इस एक्सपीरियंस के साथ मैं सीनियर रोल नहीं था, एसडीई रोल ही था, सीनियर डेवलपर रोल नहीं था। तो उस रोल के लिए मैं गया था अपना मतलब इंटरव्यू देने के लिए। तो जो फर्स्ट राउंड हुआ था, पहली बात अगर मैं ऑफिस के बारे में बात करूं तो ऑफिस वॉज नाइस, ओपन वर्किंग स्पेस है, ओपन कल्चर है उनका, तो वो ओवरऑल ऑफिस वगैरह सब सही था, इंफ्रा वगैरह काफी सही लगा मुझे, और मतलब लोग भी अच्छे थे बात बात करने में, मतलब जितने भी लोगों से मेरी बात हुई तो काफी अच्छे लोग थे सारे वहाँ पे। और जो फर्स्ट राउंड हुआ दैट वॉज द टेक्निकल राउंड। तो जो टेक्निकल राउंड था, अब क्योंकि ये लॉजिस्टिक्स की कंपनी है, थोड़ा बहुत मैं भी प्रिपेयर करके गया था, तो मेनली जो क्वेश्चन थे देवर अराउंड डीएसए, पाइथन बहुत ही कम पूछा इन्होंने फर्स्ट राउंड के अंदर। इट वॉज मेनली रिवॉल्विंग अराउंड डीएसए, और डीएसए के अंदर भी अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ट्रीज एंड ग्राफ्स के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप जा रहे हो डिलीवरी, तो आप मेक श्योर, जस्ट मेक श्योर कि आप ट्रीज और ग्राफ्स के अराउंड जितनी एल्गोरिथम्स हैं वो सब पढ़ के जाओ, जैसे मिनिमम स्पैनिंग ट्री, क्रस्कल, प्रिम्स, ये सब आपको पता होनी चाहिए। एक ही क्वेश्चन पूछा था इसके अराउंड, जो ट्रीज के अराउंड था, एंड उसकी फिर इम्प्लीमेंटेशन भी पूछी थी। इट वॉज इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंटेशन मैं कर सकता था, बट इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने पूछी थी। एंड मैंने एक क्वेश्चन भी करा था कि व्हाट दे वर लुकिंग फॉर व्हेन दे वर जजिंग मी ऑन द बेसिस ऑफ द क्वेश्चन। तो वो ये चीज जज करते हैं कि कितने अच्छे से कोई इंसान क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, मतलब कितने अच्छे से कर रहा है, कितना ट्राई कर रहा है। तो वो बेसिकली अप्रोच देखना चाहते हैं, आपका एंड रिजल्ट जो है वो मैटर करता है, बट इतना नहीं करता, आपकी अप्रोच बहुत मैटर करती है। देन जो सेकंड राउंड था, सेकंड राउंड वाज अगेन अ टेक्निकल राउंड। तो सेकंड राउंड के अंदर भी क्वेश्चंस डीएसए के ऊपर ही थे, ठीक है। सेकंड राउंड के ऊपर मेरे से मिनिमम स्पैनिंग ट्री का क्वेश्चन पूछा गया था, इसके अपार्ट पाइथन के एक दो क्वेश्चंस और पूछे गए थे, और एक एक घंटे के थे ऑलमोस्ट फर्स्ट और सेकंड राउंड भी, दोनों डीएसए ही थे, और ट्रीज के अराउंड ही वो क्वेश्चन जो है वो रिजोल्व कर रहा था। एंड एक क्वेश्चन और पूछा गया था मेरे से, लेक्सिकल सॉर्टिंग का क्वेश्चन मेरे से पूछा गया था कि मतलब डायरेक्टली, ये सारे क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं थे, इनडायरेक्टली आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, फिर आपको मतलब अगर आपने कुछ क्वेश्चंस करे मैं ऑलरेडी ग्राफ्स या ट्रीज के, तो आप पहचान जाओगे कि हाँ ये उसी का क्वेश्चन है, वरना आपको मतलब वो भी मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा बहुत कि इसमें क्या लग रहा है, कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है, कौन सा नहीं है। अगर आपने क्वेश्चंस करे हैं तो आप बहुत इजीली जज कर लोगे उसको, ठीक है। तो लेक्सिकल सॉर्टिंग का क्वेश्चन था, वो भी आपको इनडायरेक्टली पूछा गया, डायरेक्टली नहीं था कि मतलब बोलेंगे लेक्सिकल सॉर्टिंग करके दिखाओ, इनडायरेक्टली था वो क्वेश्चन भी। तो ये दो क्वेश्चन थे, एक एक घंटे के राउंड थे, एक से सवा घंटा लगा था। फिर उसके बाद थर्ड राउंड था, थर्ड राउंड वॉज मैनेजीरियल राउंड। अब मैनेजीरियल राउंड के अंदर इट वॉज नॉट बेसिकली कोडिंग वगैरह नहीं थी उसमें, था वो टेक्निकल राउंड ही। उसके अंदर प्रोजेक्ट्स पूछे गए थे, प्रोजेक्ट्स कैसे बनाए, आपका क्या रोल था, आपने कैसे परफॉर्म किया, एंड देन जब आप प्रोजेक्ट्स अपने एक्सप्लेन करते हो तो उसके अंदर से ही कुछ और क्वेश्चन निकल के आ रहे थे, तो वो सब पूछ रहे थे। देन गिट के अराउंड क्वेश्चन पूछे, CI/CD कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड डेवलपमेंट, ये कैसे करते थे आप, और क्या क्या अप्रोचेस होते हैं उसकी, तो ये सब चीजें जो है बेसिकली उन्होंने डिस्कस करी थी मेरे साथ कि कैसे कैसे इन चीजों को हम कर सकते हैं। तो इसके अलावा मतलब कुछ क्वेश्चंस और थे जो कि बेसिकली आपके कल्चरल फिटमेंट देखने के लिए होते हैं, कि आप मतलब कि वर्किंग आवर्स वगैरह आप पूछ सकते हो उनसे, मतलब आपने भी कुछ जो पूछते हो उनके बेसिस पे भी कुछ आपको जो है रिप्लाई आगे से मिलता है। एंड इसके अलावा जो लास्ट राउंड था दैट वॉज द एचआर राउंड, जो कि मेरा वहां पे हुआ था, बट इट वॉज जस्ट अ बेसिक डिस्कशन जो वहां पे की गई थी। एंड देन उसके बाद मतलब आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम एचआर, एंड बाकी की डिस्कशन जो थी वो वहां जाके हुई थी। तो ये था पूरा का पूरा एक्सपीरियंस कंपनी डिलीवरी के लिए फॉर द पोस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एंड लैंग्वेज वॉज पाइथन।
तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था जो कि मैंने वहां पे इंटरव्यू दिया। तो मतलब आई भाई, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। हो सकता है आप जाओगे, क्या क्वेश्चंस पूछते हैं क्या नहीं पूछते, दे कैन बी डिफरेंट। दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरे साथ हुआ है, तो मैं वो आपके साथ अभी शेयर कर रहा था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप दिस विल बी हेल्पफुल फॉर मेनी पीपल हु विल बी गोइंग फॉर द इंटरव्यू एट दिस कंपनी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। एंड अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एंड प्लीज मेरी सारी वीडियोस का सपोर्ट करो ताकि मैं और वीडियोस बनाता रहूं। थैंक यू, बाय।